आदर दोस्तों, मैं हूँ शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है एम्स नर्सिस यूनियन की तरफ से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया है। दरअसल देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें से दिल्ली हॉट स्पॉट में से एक है और उसी दिल्ली के अंदर एम्स के अंदर अभी तक 279 केसेस ऐसे आ चुके हैं जिनमें कोरोना के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं एम्स के स्वास्थ्य कर्मी, जिसमें डॉक्टर भी हैं, नर्सिस भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है और बाकी भी स्टाफ है टेक्निकल। इसी को लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, ख़ासतौर से नर्सिस की ड्यूटी को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर के एम्स नर्सिस यूनियन की तरफ से एम्स के डायरेक्टर को 29 मई को एक पत्र लिखा गया, जिसमें कई सारी मांग की गई थी। ख़ासतौर से ड्यूटी की मांग की गई थी क्योंकि नर्सिस को लगातार 22 दिन की ड्यूटी की जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक महिला को एक महीने के अंदर कई सारी और भी दिक्कतें होती हैं और ड्यूटी करना मुश्किल होता है। ऐसे में 6 घंटे लगातार पीपीई किट पहन करके रहना कितना मुश्किल होता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक और बड़ी मांग ये है कि जिन नर्सिस की ड्यूटी रात में लगाई जाती है उनको आने जाने की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। ये कई सारी मांग थी जिसको लेकर के नर्सिस की तरफ से लेटर दिया गया था अपनी मांगों को रखने के लिए। 29 मई को ये पत्र लिखा गया था, जिस पत्र में ये सारी मांग रखी गई थी एम्स के डायरेक्टर के सामने, लेकिन एम्स के डायरेक्टर ने इस पर ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही कोई संज्ञान लिया और ना ही कुछ इसके बारे में करने की सोची कि किस तरह से इन मामलों को सुलझाया जा सकता है। अब मामले सुलझे नहीं तो 1 जून से ये मामला शुरू हो गया। अब नर्सिस ने मोर्चा खोल दिया है, जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाएंगी उनका प्रोटेस्ट इस तरह से चलता रहेगा कि वो ड्यूटी भी करेंगे और प्रोटेस्ट भी करते रहेंगे और अगर मामला गंभीर हुआ तो और भी हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो कोरोना से लड़ने वाली नर्सिस को हमें सम्मानित करना चाहिए, इनको सभी सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन अगर एम्स जैसे संस्थान में भी इस तरह के बड़े सवाल उठेंगे और अव्यवस्थाएँ उठेंगी तो फिर किस तरह से हम कोरोना से लड़ पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।